अभी कल ही ट्रेंड हो रहा था सलमान खान फॉर द बायस्ड होस्ट, क्योंकि वो सिद्धार्थ शुक्ला को काफी फेवर कर रहे हैं. व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे नहीं लगता है सलमान ना किसी को भी फेवर करता है. मैं ना यही बात बोलना चाहूँगी कि सबका देखने का तरीका अलग होता है. मैं जब अपने शो में से विक्ट होके बाहर आई थी ना, तो मैं तीन अपने फ्रेंड्स के साथ देख रही थी, जो नॉर्मल कॉमन लोग, उनका देखने का तरीका बिल्कुल ही अलग था और मेरा बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि मैं शो में रह के आई हूँ. तो मैंने तब ये चीज़ जानी कि एक आम जनता शो को कैसे देखती है, और मैं एक अंदर रह के आई हूँ तो मैं कैसे देख रही हूँ, तो जो चैनल है वो कैसे देख रहा है, जो सलमान सर हैं वो कैसे देखते हैं. सबका एक नज़रिया अलग है, तो आप किसी को भी रोक ही नहीं सकते हो कुछ भी बोलने से. बाकी ये बात तो बिल्कुल गलत है कि सलमान सर बायस्ड हैं, बिकॉज उनको बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है. बायस्ड, सलमान खान और बायस्ड, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में. उनसे ऑनेस्ट कोई नहीं है. वो रियल लाइफ में इतने ऑनेस्ट हैं, तो वो क्या ये शो में बायस्ड होंगे? और वो इतने दिल से करीब शो है उनका, इस शो में बायस होकर उन्हें मिल क्या जाएगा? क्या ये कंटेस्टेंट उन्हें कुछ दे देंगे? क्या ये कंटेस्टेंट उनकी लाइफ में क्या 0.1% भी पार्ट प्ले करते हैं? नहीं करते. पर क्योंकि वो इस शो में है और सलमान भाई इतना प्यार करते हैं शो से, इसलिए वो बहुत ज्यादा रियल हैं. अगर मेकर्स भी सलमान भाई को कुछ गलत बोलने के लिए बोलते हैं ना, तो वो नहीं बोलते. He says, no, I will not say this. I will only say what I feel is right. तो इतना ट्रू होस्ट को अगर आप बोलोगे कि अरे बायस्ड होस्ट, नो. वो आई थिंक क्योंकि जनता ना कंटेस्टेंट्स को इतना दिल से लगा लेती है, या फिर उनकी पीआर, कि वो भूल जाते हैं कि हम किसके अगेंस्ट ये बात बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं, हम किसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद नहीं हो सकते हैं कभी. तो आप ऐसा ट्राई क्यों कर रहे हैं? बायस्ड होस्ट. मैं जानना, मैं देखूंगा कि अगर कभी लाइफ में, भगवान ना करे वैसे, किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ गई तो मैं देखूंगा कि वो बायस्ड जो ये बोल रहे हैं सलमान खान को, उनके पास मदद मांगने जाएंगे तो मदद मिलेगी, या ये कंटेस्टेंट्स के पास मदद मांगने जाएंगे तो मिलेगी. मैं देखना चाहता हूँ. तो वेल, इसके अलावा भी लाइक काफी सारे फैंस हैं जो कह रहे हैं कि अगर शहनाज और सिद्धार्थ वापस से एक हो जाए तो उनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और वो उनका फ्रेंडशिप देखना चाहते हैं जैसे स्टार्टिंग में वो थे. आप लोगों को क्या लगता है? देखो, मैंने जैसे वो तो वो ही दोनों जानते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि शो को लोग ना बहुत दिल से देखते हैं और दिल पे लगा लेते हैं, तो अगर कहीं ने, कहीं लोगों को सिद्धार्थ और शहनाज की फ्रेंडशिप पसंद आई ना, क्योंकि सिद्धार्थ ने काफ़ी उसको अपनी बहन बच्चे जैसा बातें बोली हैं, तो लोग उसको बहुत पसंद करने लग जाते हैं. तो जब वो टूटता है ना, तो उनको भी बुरा लगता है, तो वो एकदम से या तो ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं किसी ना किसी की, या फिर वो बोलते हैं कि ये जुड़े पेजेस बना देते हैं या कुछ भी करते हैं. और शहनाज ने कोशिश करी है, शहनाज ने वीकेंड के बार पे सिद्धार्थ को ऑफर किया था फ्रेंडशिप का, बट सिद्धार्थ ने बहुत स्वीटली डिनाई कर दिया. तो मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी कि अभी रिसेंट उनका पैचअप हो सकता है. लेट्स सी फ्यूचर में. देखिए, सिद्धार्थ है वन मैन आर्मी, वो अकेले खेलेंगे, वो अकेले ही खेल रहे हैं, और वो बड़े क्लियर हैं इस बात को लेके कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है. और है भी ऐसा ही, लोग सिद्धार्थ के शोल्डर पर हाथ रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे वो आसिम जी हैं, चेले बने हुए हैं गुरु के. तो आई डोंट थिंक सिद्धार्थ को किसी की जरूरत है.